सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी उपविषय पाठ दो लहासा की ओर का व्याख्यान दो। पिछले व्याख्यान में हमने राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर के विषय में पढ़ा था, जिसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे। वह व्याख्यान एक में दिए गए गृह कार्य के प्रश्नोत्तर की चर्चा भी करेंगे। पूर्व ज्ञान यानी कि पिछले जो कल वाले व्याख्यान में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उससे परिचित हो जाते हैं। हमने उसमें पढ़ा था नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। लेखक के लिए इस मार्ग का बहुत महत्व था, क्योंकि लेखक ने इसी रास्ते से तिब्बत की यात्रा शुरू की थी। तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था? वहां पर ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में प्रवेश करने दिया जाता था। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वहां पर महिलाओं का सम्मान होता था। आप वहां जाकर अपने आप भी चाय बना सकते थे, अगर आपको लगे कि आपके द्वारा दिया गया सामान पूरी तरह से चाय में नहीं डाला जा रहा है तो। वहां के लोग शाम के समय छंग पीकर अपने होश खो बैठते थे, इसीलिए वे किसी अपरिचित व्यक्ति को घर में प्रवेश करने नहीं देते थे शाम के समय में। ठहरने का प्रबंध, लेखक के ठहरने का प्रबंध बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन दो बार यात्रा की थी लेखक ने। पहली बार जब भद्रवेश में की थी तो उन्हें रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था, क्योंकि उनके साथ सुमति भी नहीं थे और उन्होंने शाम के समय वो यात्रा की थी, इसलिए लोग छंग पीकर जब अपने होश खो बैठते थे तो किसी अपरिचित व्यक्ति को घर में प्रवेश करने नहीं देते थे। इस बार भिखमंगे का वेश होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि सुमति उनके साथ थे। सुमति बोध भिक्षु थे जो लोगों को गंडे बांटने का काम करते थे। दांडा थोंडला का जंगल, दांडे थोंडला के जंगल थे, अर्थात वहां की सबसे खतरनाक जगह थी। दूर दूर तक कोई गांव गिराव नहीं थे। नदियों के मोड़ अगर हो तो उसके बाद कोई आदमी दूर तक नहीं देखा जा सकता। लेखक को भी वहीं पर रहना पड़ता, लेकिन वहां के जो डाकू थे उनके लिए एक बहुत सुरक्षित जगह थी। पुलिस की व्यवस्था ज्यादा नहीं थी, सरकार पुलिस पर ज्यादा खर्च नहीं करती थी, इसलिए जो लोग थे वहां पर बंदूकें हाथों में लाठियों की तरह लेकर घूमते थे। डाकुओं को अपनी जान का भी खतरा बना रहता था, इसलिए डाकू पहले लोगों को मारते थे फिर उन्हें लूटते थे। घोड़ों पर यात्रा, लेखक ने 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर यात्रा की थी, इसलिए उन्होंने रास्ते में घोड़े कर लिए थे। उन घोड़ों की वजह से लेखक को बड़ी परेशानी हुई थी। लेखक को बहुत धीरे चलने वाला घोड़ा मिला था, जिसकी वजह से वो अपने साथियों से पिछड़ गया था। उतराई पर भटकाव, जब लेखक उतराई पर आ रहा था तभी वो घोड़ा धीरे चला। उनका जो मित्र था सुमति वो तो पहुंच गया, लेकिन लेखक अपने समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उन्हें सुमति की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं आगे बचे हुए पाठ की तरफ। तिंद्री समाधि गिरी। अब वे तिंद्री के विशाल मैदान में थे, उसके चारों ओर पहाड़ियां थी। विशाल मैदान के भीतर एक पहाड़ी थी जिसका नाम है तिंद्री समाधि गिरी। इसे तिंद्री समाधि गिरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर समाधि बनी हुई थी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सके। सुमति का काम था बोधगया से लाए हुए गंडों को लोगों तक पहुंचाना। जिस जगह पर गए थे लेखक तिंद्री समाधि गिरी पर, वहां पर आसपास बहुत सारे गांव थे और लेखक के बहुत से यजमान जो सुमति थे उनके बहुत से यजमान वहां रहते थे, इसलिए वो उनको गंडे पहुंचाना चाहते थे। लेकिन लेखक नहीं चाहते थे कि वो वहां जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर ये चला गया तो एक हफ्ते का समय लग जाएगा और लेखक की जो यात्रा है वो देरी हो जाएगी उसे उस यात्रा में। गंडे जो थे वो पतली पतली चिरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लोग अंधविश्वासी थे, इसलिए ध्यान नहीं देते थे कि गंडे किस कपड़े से बने हुए हैं। लेखक ने सुमति को दूर के गांवों में न जाने के लिए मना लिया था। उसने कहा था कि लंकोर पहुंचने पर उसे वह उतना पैसा दे देगा जितना वह इन गंडों से कमाएगा, इसीलिए सुमति मान गए। अब तिब्बत की तेज धूप का वर्णन करें। मैंने पहले ही कहा था कि जहां तिब्बत में आराम है वहां बहुत सी कठिनाइयां भी थी। लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी जब वो पहली बार आए थे, ठीक है, और उन्हें क्या हुआ था, तेज धूप और कड़ी ठंड का सामना करना पड़े था। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप बहुत कड़ी थी यानी बहुत तेज थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था, जो सामने से था वो माथे पर पड़ती थी धूप, और पीछे जो हवाएं ठंडी होती थी वो बर्फ होती थी, इसलिए कंधा बर्फ सा ठंडा हो जाता था। धूप से बचने के लिए लेखक सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कोई भरिया तो मिलता नहीं था, इसलिए सामान खुद ही उठाना पड़ता था। अगर धूप से बचना है तो आपको सिर पर मोटा कपड़ा तो बांधना ही पड़ेगा।
अब लेखक जो थे वो सुमति लेखक को शिखर विहार की तरफ लेके गए, क्योंकि उन्हें वहां पर अपने यजमानों से मिलना था, बौद्ध भिक्षुओं से मिलना था, इसीलिए वे उन्हें शिखर विहार की ओर ले चले। तिब्बत की जो जमीन थी वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। जो बौद्ध मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, उन्हें मठ कहते हैं, और उनके हाथ में थी। और जो हर जागीरदार था वो बेगार मजदूरों से खेती कराता है। बेगार का अर्थ होता है मुफ्त में काम करने वाले, जो बौद्ध मठ के नाम पर कह के उनसे मुफ्त में काम ले लेते थे, ऐसे होते थे वहां के जागीरदार। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जो कि बौद्ध मठ से ही आता था, जिसे राजा के समान आदर मिलता है। वो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता था वहां पर आने के बाद। लेखक और सुमति शिखर विहार पहुंचे। उसका मुखिया भिक्षु नम से भद्र पुरुष था। भिक्षु जो थे वो सन्यासी को भी कहते हैं, और यहाँ भिक्षु से मतलब है बौद्ध धर्म के अनुयायी। जो भिक्षु नम से थे वो एक सज्जन पुरुष थे। लेखक का लेख जो वेश था वो इतना अच्छा नहीं था कि उन्हें रहने के लिए उचित स्थान मिलता या उन्हें और कोई अच्छा सम्मान दिया जाता, लेकिन सुमति के साथ होने की वजह से, भिक्षु नमसे के अच्छे व्यवहार की वजह होने से उन्हें सम्मान दिया गया, उनका आदर किया गया। जबकि ऐसा जरूरी नहीं था कि उनसे अपेक्षा रखी जाती कि वे उन्हें अच्छा सम्मान दें। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, भिखारियों जैसा था, फिर भी उन्हें बड़े प्रेम से मिले। कौन? भिक्षु नमसे। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित से अभिप्राय है हाथ द्वारा लिखी हुई। किस पे क्या लिखे हुए थे? बुद्ध के वचन लिखे हुए थे, गौतम बुद्ध के वचन लिखे हुए थे। 103 थी और लोहे की पत्रियों पर लिखे हुए थे, इसलिए बहुत भारी पोथियां भी थी वो। वहीं लेखक ने आसन जमाया, लेखन वहीं बैठ गया और पढ़ने लगा उन किताबों को। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर यानी 15-15 किलो की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया, अर्थात लेखक उन्हीं पुस्तकों में पढ़ने में लीन हो गया। लेखक चाहता था कि जो सुमति है, अगर आसपास के गांवों में जाकर के अपने गंडे बांटना चाहता है तो वो बांट ले, क्योंकि वह चाहता था कि जितने दिन सुमति वहां लगा लेगा उतने में वो इन पोथियों को पढ़ लेंगे। सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा और लेखक ने उसे अनुमति दे दी, जबकि पहली बार लेखक ने उसे जाने नहीं दिया था। इस बार वह खुद इन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, इसीलिए वह चाहता था कि अगर वो जाए तो एक हफ्ता, दो तीन दिन, जितने भी दिन लगाए उसे मौका मिल जाएगा कि वो पढ़ ले। लेकिन अगले ही दिन वो वापस आ गया और उन्हें फिर भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चलना पड़ा। लेखक की जो यात्रा थी वो यहाँ आकर सफल हो गई थी, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म की बहुत सी पोथियां पढ़ने को मिल गई थी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या बात की थी कि लेखक की जो ल्हासा की यात्रा थी वो एक कठोर साधना से कम नहीं थी, क्योंकि लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। दूसरा, लेखक को भार उठाने के लिए कोई भरिया नहीं मिला था, उसे कड़ी ठंड कड़ी धूप का सामना करना पड़ा था। लेखक को धीरे चलने वाला घोड़ा मिला था, ठीक है, तो अंधविश्वासों से युक्त लोगों की से बातें भी करनी पड़ी थी, लेकिन अंत में उनकी जो यात्रा थी वो सफल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके उन्हें बौद्ध भिक्षु यानी वो बौद्ध धर्म की बुद्ध वचन की जो पुस्तकें थी वो पढ़ने के लिए मिल गई थी। इसके अलावा उन्हें वहां डाकुओं का डर भी था, ठीक है, डाकुओं के भय के कारण भी यात्रा तो की थी, लेकिन जब भी डाकू उनके पास कुछ आने लगते तो वो खुद भिखारियों जैसा ही रोल अदा करने लगते थे, मांगने लग जाते थे, इसलिए उन्हें यात्रा में ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। अब शब्दार्थ की तरफ आ जाते हैं। शब्दार्थ है हमारा, सबसे पहले है समाधिगिरी। समाधिगिरी टिंडरी समाधिगिरी की बात हो रही है, वह पहाड़ी जिस पर समाधि बनी हुई है। गंडा किसे कहते हैं? डंडे के ऊपर कोई कपड़ा बांधकर बनाया जाए उसे गंडा कहते हैं। भरिया किसे कहते हैं? सामान उठाने वाला। पहाड़ों पर जो सामान उठाते हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, और लेखक को सामान उठाने के लिए कोई भरिया नहीं मिला था। जागीरदार कौन होते हैं? जो जागीरों के मालिक होते हैं। बेगार क्या होता है? जो बिना मेहनताने के काम करने वाले होते हैं। भिक्षु सन्यासी को कहते हैं, भिक्षु बौद्ध अनुयायी को भी कहते हैं। हस्तलिखित पोथियां क्या होती हैं? जो हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं। अब मौखिक प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझ लेते हैं कि पहाड़ी का नाम क्या था। पहाड़ी का नाम था टिंदरी समाधि गिरी। सुमति यजमानों के पास क्या पहुंचाने का काम करता था? सुमति यजमानों के पास गंडे पहुंचाने का काम करता था। लेखक और सुमति सुबह कितने बजे चले थे? लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले थे। धूप से बचने के लिए क्या करना पड़ता था? सिर पर मोटा कपड़ा बांधना पड़ता था। जमीन किनमें बटी हुई थी? जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी। भिक्षु को किसके समान आदर मिलता था? राजा के समान आदर मिलता था। शिखर विहार के भिक्षु का नाम क्या था? शिखर विहार के भिक्षु का नाम नमसे था। मंदिर में कितनी पोथियां रखी हुई थी? मंदिर में 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी।
अब बात आती है संवाद लेखन की बेटा, डायलॉग राइटिंग की बात कर रही हूँ। ये पाठ से भी जुड़ा हुआ है हमारे। अगर मैं बात करूँ तो हमारी एक गतिविधि भी थी जिसमें क्या था कि जो लेखक हैं और सुमति हैं उनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखना था, तो उसी से संबंधित एक गतिविधि के रूप में हम इस लेखन कार्य को भी कर लेते हैं। प्राय दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं, यानी कि जो हम आपस में वार्तालाप करते हैं उसका लिखित रूप संवाद कहलाता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं, यानी विधा क्या होती है, वो कहानी होती है, वो उपन्यास होता है, वो नाटक होता है, इन सब में संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद एक लेखन कला है, लिखने की कला है, जो आज एक व्यवसाय बन चुका है। देखिए, इसके माध्यम से लोग कहानियां लिख करके, उपन्यास लिख करके, नाटक लिख करके प्रसिद्धि पाते हैं, उनकी बिकती है किताबें, इसलिए वो व्यवसाय है। लोग आपस में बातचीत के माध्यम से क्या है, बहुत सारी कंपनियां में, बहुत सारी जो उद्योग धंधे हैं वो संवाद के माध्यम से ही चलते हैं। हम अपने सामान को बेचने के लिए, हम अपने सामान को दिखाने के लिए जो लोगों से आपसी बातचीत करते हैं उसके माध्यम से एक संवाद जो है वो आपके व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। अब संवाद को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति, सोच, स्थिति और शैली इत्यादि की झलक मिलती है। वो क्या आदत रखता है, उसकी क्या सोच है, वो किस स्थिति में है, उसके भाव क्या है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से उसके मनोभावों का पता चलता है कि वो जो विचार अपने निकाल रहा है मन से, उसके मन के भावों का हमें पता चल जाता है। अच्छे संवाद की विशेषताएं क्या है, संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, ज्ञान देने वाली होनी चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। संवाद में बनावटीपन यानी आर्टिफिशियलपन नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। जैसे हम आपस की बातचीत करते हैं वैसे ही उसे लिखना चाहिए, उसमें कुछ भी विशेषण अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं हैं, पात्रों के अनुसार संवाद की भाषा शैली भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अगर हम व्यापारी से बात कर रहे हैं तो उसकी वैसी होनी चाहिए, डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो उसकी वैसी होनी चाहिए, अगर हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो उसके भाषा शैली वैसी ही होनी चाहिए, अगर हम किसी भिखारी से बात कर रहे हैं तो उसकी भाषा शैली अलग होनी चाहिए, अध्यापक, शिक्षक, शिष्य, इन सबकी अलग अलग भाषा शैली होती है। वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए लेकिन प्रभावशाली हो, ठीक है, ये नहीं कि बड़े वाक्य लिख रहे हैं लेकिन उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो वो भी बेकार है। उसमें कलिश शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अपशब्द होते हैं वो भी संवाद में नहीं लाए जाने चाहिए जिससे किसी को बुरा लगे। प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए कि जो पहले लिखी गई है पंक्ति वो दूसरे से मेल खाती है या नहीं, अर्थात संवादों में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए कि क्रम से लिखे गए हो और आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। पात्रों के क्रियाकलाप, भाव, मुद्रा, विचार इत्यादि को कोष्टक में संवाद के साथ ही लिखना चाहिए कि वो कौन सी गतिविधि कर रहा है, हंसते हुए कर रहा है, चलते हुए है, बैठते हुए है, उठते हुए है, झीपते हुए है, मन ही मन में है, तो ये सारे भाव, ये स्थिति, ये विचार जो है उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब हमें कोष्टक में लिखने होते हैं। जैसे कि सुमति और लेखक की ही बात करें तो जब सुमति लेखक के पास पहुंचे, ठीक है, तो वो गुस्से में थे, इसलिए हम उनके लिख सकते हैं कि सुमति लिख करके उसके नाम के सामने हम कोष्टक में लिखेंगे गुस्से में कि तुमने इतना समय कहाँ लगा दिया, मैं तुम्हारी इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। अब लेखक के जो है, लेखक मन ही मन में डरते हुए क्या करेगा, उसको जवाब देगा, तो ये सारे जो भाव है वो हमें कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिखने चाहिए। संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जहां प्रश्न पूछा जा रहा हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो, जहां रुकना हो थोड़ा वहां अल्प विराम, उससे ज्यादा हो तो अर्ध विराम, तो इस तरीके के कहां शब्दों को दर्शाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ता है इन विराम चिन्हों का। देखिए, मैं आपके सामने एक वाक्य बोलूं, उसे मैं अलग अलग तरीके से अगर मैंने विराम चिन्ह लगाए हैं तो उसका मतलब भी वही होगा। जैसे रोको के बाद मैंने अल्प विराम लगा के बोला मत जाने दो, उसके बाद मैंने दूसरे में बदल दिया कि रोको मत जाने दो, तो दोनों के बिल्कुल अर्थ बदल गए। तो हमारे लिए संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्नोत्तर चर्चा। ये जो प्रश्न है मैं तीन आपके सामने यहाँ पर चर्चा में करूंगी, इनके आपको उत्तर अखबार पर भी मिलेंगे और यहाँ पर भी हैं, आपको ये साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाएं।
इस लेखक को एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। बुद्ध वचन की पुस्तकें थी। वो एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि यहाँ लेखक का खुद का स्वार्थ था। दूसरा प्रश्न आता है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले लेखक को ऊंची नीची पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि 10-11 बजे की धूप थी। उसे डाकुओं के भय में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि डाकू पहले यात्री को लूटते थे फिर मारते थे। ठीक है, पहले मारते थे फिर लूटते थे। उसे धीरे चलने वाला घोड़ा मिला था, जिसकी वजह से सुमति की नाराजगी का सामना करना पड़ा। देखो आ गई ना, उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। उसे भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति ऐसी ही थी। अगला है कि प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज बहुत खुला था। मैंने आपको बताया कि जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच जैसी बातें नहीं थी। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वो अपने अपरिचितों को चाय भी बनाकर दे दिया करती थी। अगर आपको लगता था कि आपका सामान मक्खन सोडा कम डला है, तो आप खुद भी जाकर के चाय बना सकते थे। समाज में छंग मदिरा पीने का रिवाज था। लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अंधविश्वासी थे, जो गंडों के नाम पर साधारण कपड़ों के टुकड़ों पर भी विश्वास कर लेते थे। अगर सुमति उन्हें कहता था कि ये गंडे मैं बोध गया से लाया हूं, तो वो मान जाते थे। अब आपके लिए गृह कार्य में ये दो प्रश्न है। ये बाकी जो तीन मैंने आपके साथ चर्चा की वो तो लिखने ही है, लेकिन इनको आप अपनी रफ नोटबुक में लिखिएगा। जब हम इसके उत्तर की चर्चा कल आपको अगले व्याख्यान में करेंगे, तब आप उन्हें साफ उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। पाठ के आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। उसके बाद हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समस्या उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें कि किसी भी व्यक्ति का जो सम्मान है वो उसकी वेशभूषा के आधार पर होता है या उसके आचरण के आधार पर। और एक संवाद है आपके लिए बेटा, पति पत्नी के बीच घर के खर्चे को लेकर संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। ये भी आपको रफ नोटबुक में करना है। आप पिछला व्याख्यान जो कल हमने पढ़ा था उसके प्रश्नोत्तर हल की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न था कि थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बोध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक का भद्रवेश होना पर उस गांव में लोगों के लिए अपरिचित था, क्योंकि यात्रा के समय लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग छंग यानी शराब पीकर होशवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उसके साथ सुमति भी नहीं थे, इसलिए उसे रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने सामान और जान का खतरा बना रहता था। वहां के लोग लाठियों की तरह पिस्तौले हाथ में लेकर घूमते हैं। वहां निर्जन स्थान है जहां डाकुओं को किसी का भी भय नहीं रहता, इसलिए वो पहले यात्री को मारते हैं फिर उन्हें लूटते हैं। ऐसे स्थानों पर पुलिस का प्रबंध नहीं होता, ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते हैं या मारते हैं फिर उसे लूटते हैं। अगला प्रश्न था कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। लेखक लंकोर में अपने साथियों से निम्नलिखित कारणों से पिछड़ गया। लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, लेखक ने गलत रास्ता चुन लिया था जिसकी वजह से डेढ़ मील गलत रास्ते पर चला गया था। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने साफ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ये तीन प्रश्न जो मैंने चर्चा की वो तीन प्रश्न, उसके अलावा अगले दो प्रश्न आपको अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं और वो संवाद भी आपको रफ कॉपी में लिखना है। जब कल के व्याख्यान में हम उन प्रश्नोत्तर की और संवाद की चर्चा करेंगे, उसके बाद आप उसे साफ उत्तर पुस्तिका में लिखना। कल के व्याख्यान का जो कार्य होगा वो हमारा दोहराई कार्य होगा। पहले और दूसरे व्याख्यान में हमने इस पाठ से संबंधित जो पढ़ा, जो प्रश्नोत्तर चर्चा की, जो कठिन शब्दार्थ पढ़े, उनकी चर्चा एक बार पुनः होगी। उसके बाद कल आपको एडक्वार पर एक प्रदत्त कार्य मिलेगा जिसे आपको अपनी रफ कॉपी में करना है। मिलते हैं कल के व्याख्यान में। धन्यवाद।